दोस्तों, दो दिन पहले ही हमारे चैनल को सिल्वर प्ले बटन का अवार्ड प्राप्त हुआ है और आज आप देख सकते हैं हमारे चैनल में 1,25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको पहले से बोल देता हूं, घनमूल निकालने के आपने 1,000 तरीके देखे होंगे, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और वर्गमूल निकालने के भी 1,000 तरीके देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो ना थोड़ा हट के रहे, ध्यान दीजिएगा। घनमूल मैंने लिखा है ना, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखा है, और इसको आपको ना तो गुना करना है ना भाग करना है, प्रश्न को देखना है और उत्तर बताना है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न को देखेंगे और उत्तर बता देंगे कि इसका घनमूल क्या होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पूर्ण घनमूल संख्या की, और यहाँ पर हम जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका भी हम निकालना सिखाएंगे, लेकिन वो भी चुटकियों में। देखिए, इसका मुझे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि पूर्ण घन संख्या है, और पूर्ण घन संख्या को बस प्रश्न को देखना है और उत्तर बताना है। देखिए कैसे, इसका उत्तर मुझे बताना है, मैं प्रश्न को देखूंगा और इसका उत्तर लिख दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, बस इतना उत्तर लिखना है और ये उसका उत्तर हो गया। क्या यह संभव है? ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो गया। इसको मैं क्या करूंगा, देखूंगा और इसका उत्तर मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, हो गया। इसको देखिए, मैं देखूंगा और उत्तर लिखूंगा, हो गया। बस देखूंगा, ये देखिए मैंने देखा, और इसका उत्तर कितना हो जाएगा, आप देखते जाएंगे और आपका उत्तर होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और वो दिमाग कौन सा लगाना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा। बस आपको क्या लगा देना है, यहां पर 6 लगा देना है। क्यों लगाना है मैं वो भी बताऊंगा। यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यहां पर तो आ जाएगा 6, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1। और दोस्तों, ये सभी संख्याओं का घनमूल निकल गया है। कैसे निकाला हूं, वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ आएगा। ये वाला प्रश्न थोड़ा से अलग है, थोड़ा से अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर जो संख्या मैंने लिया है, मैंने बताया ना, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा विशेष है, हट के है। ये पूर्ण घनमूल संख्या है जिसका यदि हमें घन निकालना हो तो हम इस प्रकार फटाफट निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर देखिए, इसका भी घनमूल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और इसको मैंने कैसे देखते ही निकाला, आप भी देखेंगे और निकालेंगे। बस वो पूर्ण घनमूल संख्या होना चाहिए, इसको भी मैं देखते ही निकाल सकता हूं। क्या करूंगा, 2 × क्या करेंगे, आपको क्या करना है एक्चुअल में, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। इसको फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 कितना आया, 8 आया। मतलब यदि आप 8 × 8 × 8 करेंगे ना, 3 × 8 को गुना करेंगे तो इकाई में कितना आएगा, देखिए 64, और 64 को 8 से गुना करेंगे तो 8 × 32 इकाई में कितना आएगा, 2। मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा, या तो 8 तो आएगा ही इकाई में, और यहां पर देखिए हमको क्या करना है, बस देखना है और उत्तर लिख देना है। ये इसका उत्तर आप लिखेंगे तो इतना उत्तर आ जाएगा, आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक जरूर कर लीजिएगा, लेकिन ये कैसा आया है मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए, अब इसके तरीकों को सीख लेते हैं कि इसका उत्तर कैसे बताया जा सकता है फटाफट। देखिए, आप भी फटाफट बता पाएंगे। देखिए, घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहां पर मैंने विशेष कलर में क्यों लिख रखा है, देखिए लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ना, वो महत्वपूर्ण है घनमूल निकालने के लिए, जो आप ट्रिक लगाने वाले हो, ठीक है। अब मैंने यहां पर विशेष संख्या इसलिए लिया है क्योंकि 1 का जो घन है ना, 1 का जो आप घन निकालेंगे ना तो इसके इकाई अंक में 1 ही आता है, 4 का जो आप घन निकालेंगे तो इकाई अंक में 4 ही आता है, ठीक है। 4 × 16, 16 × 64, हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। 5 का आप घन निकालेंगे ना, 5 × 25 और 25 × 125, इकाई में 5 ही आएगा, यहां पर भी 5 है, यहां पर 6 है। 6 का आप घन निकालेंगे ना तो 6×6 = 36, और 36 × 6 फिर करेंगे, इकाई में तो 6 ही आएगा। तो जिसके इकाई में घन निकालने पर अगर वही संख्या आए, और लास्ट 3 डिजिट को आपको देखना है, लास्ट 3 डिजिट आप देखना है, देखिएगा यहां पर 6 है तो इधर तो 6 ही आएगा, 3 अंक का काम खत्म। यहां पर देखिए 5 है तो 5 ही आएगा, यहां पर देखिए 3 अंक 5 है तो 5 ही आएगा, 3 अंक देखिए 4 है तो 4 ही आएगा, 3 अंक देखिए 1 है तो 1 ही आएगा, क्योंकि पूर्ण घनमूल संख्या है, मतलब तय है। अब क्या करना है, इस 3 अंक को देखना है, इस 3 अंक के छोटे पूर्ण घन संख्या देखना है। निश्चित रूप से अगर 132 है तो इसका पूर्ण घन संख्या क्या है, है ना, पूर्ण घन संख्या 125 है, और 125 का घनमूल कितना है, 5 है, यहां पर आप 5 लगा देंगे, 51 हो गया उत्तर। यहां पर क्या करना है, 13 से छोटा पूर्ण घन संख्या कितना है, 8 है, और 8 मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 का उत्तर 2 आएगा ना, तो यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा, 24। यहां पर देखिए 3,
तीन का घन, आप तो एक ही लिखेंगे, खत्म कहानी उत्तर। यहां पर देखिए 274, अब 274 से छोटा घन संख्या आप कितना लिखेंगे, 274 से छोटा घन संख्या कितना लिखेंगे, 6, जिसका कितना होता है 216। निश्चित रूप से आप 6 × 6 × 6 करेंगे, तीन बार गुना करेंगे, 6 × 6 का 36 होता है, 36 को फिर 6 से गुना करेंगे, 6 × 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 × 3 = 18, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, मतलब 216, ये भी हो गया। यहां पर देखिए इसका तो हमने 6 लिखा है, 4 का घन संख्या निकालेंगे, 1 होगा 16 होगा, आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर तो गड़बड़ हो रहा था, तो यहां पर भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि देखिए 2 कब आएगा, आपको 3 अंक को अलग कर लेना है, घनमूल निकालते समय 3 अंक अलग करेंगे और इकाई में केवल 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए ध्यान दीजिए यहां पर जो संख्या होता है यहां पर लागू नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर 2 आता है, या तो आप क्या करिए 2 दुनी इसको आप क्या कर दीजिए वर्ग करिए, मतलब 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 दुनी 4, फिर 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 तो आ गया, मतलब 8 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो इकाई में 2 आएगा, तो यहां पर तो 8 आएगा ही। इसको देख लीजिए, इनसे छोटा पूर्ण घन संख्या निकालना है, कौन सा होता है 8 होता है, अब 8 होता है तो 8 किसका है फिर 2 का है, तो यहां पर हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो इसलिए मैंने बोला था कि आज मैं जो तरीका बताने वाला हूं थोड़ा से हटके है, अब देखिए ये सब मैं मिटा देता हूं, अब मैं आपको यहां पर जो प्रश्न लिखा हूं उसको मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर जो प्रश्न लिखा है वो 83 है, और यहां पर 83 लिखना है, ये हो गया 83, और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या तो 81 है, ठीक है, ये 81 है और इसका कितना होता है 9, तो इसको आप क्या करेंगे, बस आपको क्या करना है इसका निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या लिख लेना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 81 प्लस क्या लिखूंगा इसमें कितना जोड़ूंगा, मतलब 2। अब इसको आप देखिए हमें क्या करना है, ये ट्रिक है, तो आपको केवल इसका वर्गमूल लगाना है, फिर आपको क्या करना है इसमें इसी का दुगुना करके लिख देना है, मतलब अगर इसको मैं क्या करूं हल करूं तो 9 हो जाएगा, प्लस यहां पर 2 करूंगा और 9 का मैं दुगुना कर दूं, 9 दुनी 18, इसका मतलब है 9 + 2/18 करेंगे। अब इसको आपको भाग देना है, मतलब क्या करेंगे भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, ठीक है दशमलव लगाएंगे, फिर भी छोटा होगा। अब क्या करेंगे, अगर दशमलव लगाने के बाद क्या होता है ये 20 होता है, तो ये बड़ा हो गया है, कितना जाएगा भाग देंगे एक बार जाएगा, कितना गया 18 × 1 = 18, फिर कितना बचा, फिर 2 बचा, फिर कितने बार जाएगा एक बार जाएगा, हो गया, इनको जोड़ दीजिए 9. कितना हो जाएगा 1, 1, और ये आपका उत्तर हो गया है। जी दोस्तों इस प्रकार आप इस प्रश्न के उत्तर निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है। निश्चित रूप से मैंने पहले से बोल रखा था आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी को भी क्लिक करना है और वीडियो को पूरा देखना है। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।